गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। देखिए, इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आपने अपने जीएस के सिलेबस में, लॉ के सिलेबस में पढ़ा तो जरूर होगा, बट इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इस लेक्चर को समझने के पहले ये एक्सपेक्टेड है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। ऑल दो आपने काफी हद तक पॉलिटी पढ़ी होगी, लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे, तो आप इसको भी समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे हमें पता है गवर्नमेंट के तीन पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। कौन कौन से तीन पार्ट होते हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? अगर हम यूनियन की बात करें तो यहाँ पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स मिनिस्टर्स। स्टेट लेवल की बात करें तो यहाँ पे आता है चीफ मिनिस्टर एंड इट्स मिनिस्टर्स। ठीक है, लेजिस्लेटिव में कौन कौन आते हैं? लेजिस्लेटिव में आती है पार्लियामेंट, यूनियन के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो, और स्टेट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो स्टेट असेंबलीज, और अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वो भी इसमें शामिल हो जाती है। इसी तरह से पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। जुडिशरी में एनी कोर्ट जो भी स्टेब्लिश है वो सब किस में पार्ट आती है? जुडिशरी में आते हैं। आइए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ताकि जो बच्चे नए हो वो इसको प्रॉपरली समझ सके। हमारे गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है? पहला हमने नाम क्या दिया? लेजिस्लेटिव, जिसका काम है लॉ मेकिंग फंक्शन, जो लॉ बनाने का काम करते हैं। दूसरा क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव, जिसका क्या काम है? इस लॉ को इंप्लीमेंट करवाना। और तीसरा जुडिशरी। गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हो गए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। याद रहे ये ऑर्गन्स स्टेट के नहीं है, गवर्नमेंट के हैं। स्टेट के ऑर्गन जुडिशरी नहीं हो सकती है, क्योंकि जुडिशरी को स्टेट नहीं माना गया है। इस संबंध में भी हम लोग के अलग क्लासेस में हम लोग डिस्कशन करते हैं, जब हम लीगल एंगल पर पढ़ रहे होते हैं आर्टिकल 12 का, तो हम समझते हैं कि कौन कौन किसको किसको स्टेट माना गया है, किसको किसको नहीं माना गया है। तो याद रखिए, गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यूनियन लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेटिव में क्या क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस एंड प्रेसिडेंट। अगर हम स्टेट की बात करते हैं, यही चीज अभी मैंने डिस्कस की थी, बस यहाँ मैं थोड़ा साफ साफ लिख रहा हूँ। स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जिसको बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, यदि है तो वो भी इसमें इंक्लूड होंगी। तो इनको हमने क्या नाम दिया? लेजिस्लेचर का। एग्जीक्यूटिव में पीएम एंड इट्स मिनिस्टर या इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो पीएम होता है, तो ये हमारी क्या होगी? एग्जीक्यूटिव हो गई यूनियन के रिस्पेक्ट में, और चीफ मिनिस्टर एंड इट्स सीओएम, इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये स्टेट के लेवल पर हो गई। जुडिशरी में मैंने बताया इंटीग्रेटेड जुडिशरी का सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ऑल अदर कोर्ट्स आर पार्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम। अब देखिए जरा, यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन दिए हुए हैं जिससे ये सारे लोग आपस में काम कर सकें, कोऑर्डिनेट करके काम सकें और एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर सकें। ऐसे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि जिससे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी तीनों लोग कोऑर्डिनेट होकर काम करें और एक दूसरे को कंट्रोल भी करें, या हम कहें कि यहाँ जो प्रिंसिपल काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? चेक एंड बैलेंस का। अब यहाँ पे तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पहला, लेजिस्लेटिव किसको किसको कंट्रोल करेगा? एग्जीक्यूटिव को करेगा और जुडिशरी को करेगा। एग्जीक्यूटिव किसको कंट्रोल करेगा? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को कंट्रोल करेगा और जुडिशरी को कंट्रोल करेगा। जुडिशरी किसको कंट्रोल करेगा? लेजिस्लेटिव को करेगा और एग्जीक्यूटिव को करेगा। अब यहाँ से कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर वन, जो पूछा भी गया है आपकी मेंस एग्जाम में, हाउ लेजिस्लेटिव्स कंट्रोल एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी। कैसे विधानसभाएं, विधान परिषद, संसद, प्रधानमंत्री, मंत्री पर कंट्रोल लगती हैं या कैसे जुडिशरी पर कंट्रोल लगती है। इसी तरह से और जो पूछा जा सकता है, हाउ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, राइट? इसी तरह हाउ जुडिशरी कंट्रोल लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव।
तो आज के इस लेक्चर में हम इन तीन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में जो चेक एंड बैलेंस का जो प्रिंसिपल है ये लगातार वीक क्यों होता चला जा रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्कस द फैक्टर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर वीक चेक एंड बैलेंस इन द प्रेजेंट टाइम एट प्रेजेंट टाइम, राइट। ये डिस्कशन के पार्ट होंगे। तो आप समझिए, सबसे पहले हम लोगों को जो समझना है इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ताकि आपको ये नोट्स पढ़ने में आसानी हो। ये नोट्स हम लोग आपको अपनी वेबसाइट जो कि www.isnext.com है वहां पे मिल भी जाएगा। वहां पे आप स्टडी मटेरियल के कॉलम में क्लिक करेंगे तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके लेक्चर को आप यूट्यूब से एक्सेस कर सकते हैं या वहां पे भी आपको लिंक मिलेगा। आप नोट्स पढ़ते हुए जब वीडियोस देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये बात हमने डिस्कस की, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर इज द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। इन तीनों का अलग अलग डोमेन में अलग अलग स्फेयर में काम करना ही सेपरेशन ऑफ पावर है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है किसी भी लॉ को बनाने के लिए, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए और करने के लिए। अब जब बराबरी का डिवीजन हो गया है तीनों में कि कौन क्या काम करेगा, तो इसी से ही ये इंश्योर हो जाता है कि कोई मनमर्जी का काम नहीं कर पाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि आपके घर में दो लोग हैं और दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि सुबह का खाना मिस्टर एक्स बनाएंगे और रात का खाना मिस्टर वाई बनाएंगे। अब अगर किसी दिन रात में मिस्टर एक्स खाना बनाने लगेंगे तो वाई उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, भैया आपको तो सुबह खाना बनाना, आप शाम को क्यों बना रहे हो, ठीक है। तो एक दूसरे के काम बटे होने से क्या होता है कि लोगों को अपना काम बिल्कुल साफ पता होता है और अगर कोई भी दूसरे के काम में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है तो उसको रोका जा सकता है। यही पॉइंट लिखा हुआ है, एसओपी मिनिमाइजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरी एक्सेस बाय द गवर्नमेंट। क्लियर हो गया पॉइंट। ये सारे प्रोविजन, देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डिमार्केशन व्हिच स्टॉप्स कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेसिव पावर बाय एनी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में मार्क कर दिया गया है कि कैसे एक ऑर्गन के पास एक्सेसिव पावर का कॉन्सेंट्रेशन ना हो पाए। अगर ऐसा कोई करने की कोशिश करेगा तो कैसे अदर ब्रांचेस उसको रेगुलेट कर सकती हैं। जैसे हमने डिस्कस किया, अभी हमें पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तो अभी क्वेश्चन क्या है, हाउ लेजिस्लेटिव कंट्रोल जुडिशरी और हाउ लेजिस्लेटिव विल कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। तो पहले समझिए, देखिए लेजिस्लेटिव जुडिशरी को कैसे कंट्रोल करती है। एक इम्पीचमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस, आपको पता है जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के हैं या हाई कोर्ट्स के हैं, इनकी एक रिमूवल का एक सर्टन प्रोसेस है। वो रिमूवल का जो सर्टन प्रोसेस है वो केवल और केवल कहाँ पास हो सकता है, वो केवल और केवल लेजिस्लेटिव में यानी पार्लियामेंट में ही पास हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में ही पास हो सकता है। जब लोकसभा और राज्यसभा चाहे तो रिमूवल कर सकती है जजेस का तो कंट्रोल होगा, क्योंकि भाई अगर आप कुछ भी ऐसा काम करोगे जो संविधान के अनुसार नहीं है तो लोकसभा आपको क्या कर सकती है या पार्लियामेंट आपको क्या कर सकती है, आपको आपके पद से हटा सकती है। इसलिए क्या कहा जा सकता है कि लेजिस्लेटिव का कंट्रोल है जजेस के ऊपर। एक बात और आप ध्यान से समझ लीजिएगा, जो इम्पीचमेंट वर्ड है, ऑल्दो बोलचाल की भाषा में हम लोग जजेस को हटाने के लिए इम्पीचमेंट का प्रयोग कर देते हैं, बट ये सही नहीं है। इम्पीचमेंट का जो यूज है वो केवल और केवल प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में ही किया जा सकता है। जो प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया है वो महाभियोग या इम्पीचमेंट कहलाती है। जजेस को हटाने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग किया गया है उसे हम रिमूवल के ही नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, अब मान लीजिए कि जुडिशरी ने कोई ऐसा लॉ बनाया है, कोई भी लॉ बनाया है, और कोई भी लॉ जुडिशरी ने बनाया नहीं, जुडिशरी ने कोई भी चीज कही या कोई भी लॉ में अमेंडमेंट किया और पार्लियामेंट को वो अमेंडमेंट सही नहीं लग रहा है, तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इस लॉ को पूरी तरह से चेंज कर सकती है या इस पॉइंट को रीवैलिडेट कर सकती है, या जो भी अमेंडमेंट जुडिशरी ने सजेस्ट किया, जो भी करने की कोशिश की, उसको क्या कर सकती है, अल्ट्रावायर्स कर सकती है। समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये प्रोविजन सही नहीं है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हमने पूरे पूरे प्रोविजन को लेजिस्लेटिवली चेंज कर दिया, पूरे पूरे प्रोविजन को रिवैलिडेट कर दिया। पॉइंट समझ में आ गए। नेक्स्ट देखिए, एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करती है। तो हमने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो तभी तक अपने पद पर रहेगी जब तक उनका जो मेजोरिटी है या जो मेजोरिटी है वो बनी है, या ऐसे शब्दों में समझे, जब तक लोकसभा का कॉन्फिडेंस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे तभी तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने पद पर बनी रह सकती है।
और अगर लोकसभा को लगता है कि अब इनका कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है तो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव लाकर या नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करवाकर इनको हटा सकती है। तो एग्जीक्यूटिव तभी तक पत्र है जब तक लोकसभा में उनका बहुमत है या लोकसभा का कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूटिव पर है। तो थ्रू नॉन कॉन्फिडेंस वोट इट कैन डिसॉल्व एनी गवर्नमेंट, इट कैन डिसॉल्व द गवर्नमेंट। यानी एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटर जब चाहे तब हटा सकता है, जब लेजिस्लेटर को लगने लगे कि अब इनका लेजिस्लेटर को ये लगने लगे कि अब ये काम सही नहीं कर रहे हैं, तो इनके अगेंस्ट कौन सा मोशन लाया जा सकता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। इस कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन के पास हो जाने के बाद गवर्नमेंट को अपने इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपने सुना होगा क्वेश्चन आवर, कि सरकार से हम लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरी संसद का कोई भी मेंबर सरकार से प्रश्न पूछ सकता है, प्रधानमंत्री से पूछ सकता है, उसके मंत्रियों से पूछ सकता है। इस प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न पूछने का उद्देश्य केवल इतना है ताकि हम लोग सरकार पर नियंत्रण रख सकें कि भैया क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग कंट्रोल कर सकें। तीसरा, देखिए, चाहे क्वेश्चन आवर हो, चाहे कॉलिंग अटेंशन मोशन, चाहे एडजर्नमेंट मोशन, हर बार यही ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी तरह से भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के कोई मामले पर हम सरकार पर नियंत्रण रख सकें या सरकार से पूछ सकें कि अब आप इस मामले में क्या कर रहे हैं। तो इन सब विधाओं से, इन सब तरीकों से जुडिशरी सॉरी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल रखते हैं, सॉरी लेजिस्लेटिव कंट्रोल रखते हैं एग्जीक्यूटिव पे। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? तो अभी इस वाले सेक्शन में हमने इतना समझा कि हाउ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ऑन जुडिशरी, हाउ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव। पॉइंट समझ में आ गया? इसके अलावा समझिए, प्रेसिडेंट एक ऐसा पद होता है जो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है और लेजिस्लेटिव का भी पार्ट है, ठीक है। इम्पीचमेंट पर, यहाँ पे प्रेसिडेंट का जब इम्पीचमेंट होगा तो एग्जीक्यूटिव की तरह होगा, और प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करता कौन है? प्रेसिडेंट को हटाने के लिए हमें किन दो सभाओं में बहुमत चाहिए? लोकसभा में चाहिए और राज्यसभा में चाहिए। तो अगेन, जब स्टेट के हेड को भी हटाने का, एग्जीक्यूटिव हेड को भी हटाने का प्रोविजन लेजिस्लेटिव के पास है, हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव कंट्रोल करती है जुडिशरी को, लेजिस्लेटिव कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को। ये तो हमने एसओपी, सेपरेशन ऑफ पावर का पार्ट वन पढ़ा। अभी इसी तरह से हम पार्ट टू देखें। अभी इसी तरह से मैंने आपको बताया ना, जैसे देखिए तीन इस गवर्नमेंट के ऑर्गन कौन कौन से हुए, जुडिशरी हुआ, सॉरी लेजिस्लेटिव हुआ, जुडिशरी हुआ और एग्जीक्यूटिव हुआ, ठीक है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव किसको कंट्रोल करता है? एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को, आप पढ़ चुके। एग्जीक्यूटिव किसको कंट्रोल करेगा? हम बताएंगे कि लेजिस्लेटिव को और जुडिशरी को। जुडिशरी किसको कंट्रोल करेगा? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को। तो ये तीन चीजें आपसे अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है। तो पहला वाला इतना तो हम पढ़ चुके, अब हमें ये पढ़ना है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जुडिशरी पे कैसे कंट्रोल करता है और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे कैसे कंट्रोल करता है, समझने के बाद ध्यान से। जजेस का अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? आप बोलेंगे आंसर प्रेसिडेंट। तो कैसा फंक्शन है? एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। और जजेस का रिमूवल कैसा फंक्शन है? जजेस का रिमूवल लेजिस्लेटिव फंक्शन है। जजेस को हटाने के लिए हमें लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत चाहिए, जबकि अपॉइंटमेंट करने के लिए हमें राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस का कंसल्टेशन, इस तरह की चीजों की आवश्यकता है। तो हम कह सकते हैं कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड जुडिशियल रिमूवल इज लेजिस्लेटिव फंक्शन। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव जुडिशियल पे कैसे कंट्रोल होता है, किसको जज बनाना है, कैसे बनाना है, क्या प्रक्रिया है, ये सारा कौन बना रहा है? एग्जीक्यूटिव बना रहा है, और इसी तरीके से, इसी माध्यम से वो जुडिशियल पर क्या कर रहा है? कंट्रोल रख रहा है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे कैसे कंट्रोल करता है? लोकसभा में किस तरह का प्रोसीजर रखना है, कौन सा बिजनेस बनाना है, कैसा कंडक्ट होना है, किस तरह से फंक्शन होना है, कोई बिल पास होने के बाद कैसे डिस्कशन होना है, ये सब काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, बजट प्रिपेयर करने का काम एग्जीक्यूटिव का है, और डिस्कशन कहाँ पे होगा? लेजिस्लेटिव पे होगा। पॉइंट समझ में आ गया होगा? इसी तरह से इसका जो तीसरा पार्ट बनता है कि जुडिशियल कंट्रोल, हाउ जुडिशरी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव एंड हाउ जुडिशरी कंट्रोल लेजिस्लेटिव। तो आपको भी है, ये जुडिशियल रिव्यू हुआ है किसी भी पॉलिसी का, किसी भी चीज का, हम क्या कोर्ट क्या कर सकती है? जुडिशियल रिविजन कर सकती है। अलग अलग मामलों में आपको गाइडलाइन दे सकती है। जैसे आपने रिसेंटली पढ़ा कि एनजीटी ने बैन कर दिया पटाखे ऊपर, एक गेम होता था जलाई कट्टू, उसको बैन किया गया। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पर विसाका गाइडलाइंस इशू करी। तो जुडिशरी क्या कर सकती है? जुडिशरी डायरेक्ट कर सकती है या ऑर्डर दे सकती है किसको? एग्जीक्यूटिव को, कि आप ऐसा ही करो, और इसको इनको मानना पड़ता है। पॉइंट क्लियर?
जुडिशरी भी एग्जीक्यूटिव को ही कंट्रोल करता है, इसी तरह से लेजिस्लेटिव को कैसे कंट्रोल करता है, अगर कोई भी लॉ बनाया लेजिस्लेटिव ने और वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है या एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड कर सकती है। पार्ट थर्ड आपको याद होगा, आर्टिकल 13 का याद करिए, ठीक है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर सकती है, कोर्ट उस लॉ को रिवाइज कर सकती है, इस लॉ में अमेंडमेंट सुझा सकती है, या हम कहें कि जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जुडिशली के हो गए। अब आपसे क्वेश्चन जो सबसे बड़ा पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेपरेशन ऑफ पावर एंड हाउ ऑल दीज थ्री ऑर्गन्स आर कंट्रोलिंग ईच अदर इन इंडिया, राइट। इतनी बात आपको होपफुली समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आ गई होगी तो आप यहाँ पे हमें मैसेज भी कर सकते हो, हम आपको इसको डिटेल में फिर से समझा सकते हैं। आगे देखिए, आखिर क्या कारण है कि भारत में ये जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है जो SOP सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए वो कमजोर होता चला जा रहा है। इसका जो सबसे बड़ा जो रीजन है दैट इज द वीकेंड अपोजिशन ऑफ इंडिया इन इंडिया। जो भारत में अपोजिशन है वो लगातार बहुत कमजोर हो गया। आज की डेट में आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये लोकसभा है और लोकसभा में किस दल का बहुमत ज्यादा है, आपने माना एनडीए का या बीजेपी लेड एनडीए का बहुमत ज्यादा है, और इसी लेजिस्लेटिव से ये सब लेजिस्लेटिव है और इसी से एग्जीक्यूटिव निकल कर आया है, तो विपक्ष की संख्या बहुत कम होने से क्या हुआ है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव लगभग एक जैसी सोच रखने लगे, एक जैसा काम करने लगे। क्या आज की डेट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के डिसीजन से कोई बीजेपी का सांसद परे जा सकता है? तो आप कहेंगे शायद नहीं, पॉइंट समझने की कोशिश करेगा। तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव क्या होने, एक जैसा काम करने लगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव भी उसी पार्टी से आ रहे हैं, लेजिस्लेटिव भी पार्टी से आ रहे हैं और बहुत ज्यादा मेजोरिटी होल्ड कर रहे हैं। अपोजिशन वाले चाहे कर भी कुछ विशेष काम नहीं कर पाते, इसीलिए उन्हें रोड पर धरना देना पड़ रहा है, आप समझिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वीक चेक एंड बैलेंस है इसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है, वीकेंड अपोजिशन इन इंडिया। देखते हैं, देखिए, डेमोक्रेसी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस, इट इज दीज चेक एंड बैलेंस दैट प्रिवेंट डेमोक्रेसी फ्रॉम टर्निंग इनटू मेजोरिटेरियनिज्म। और यही आज की डेट में हो रहा है। आज की डेट में किस पार्टी की मेजोरिटी है, किस ग्रुप की मेजोरिटी है, आप बोलेंगे एनडीए की, और कांग्रेस या अपोजिशन की हालत इतनी बुरी है कि उनकी संख्या इतनी पर्याप्त है ही नहीं कि किसी बिल को वो रोक पाए। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम दीज चेक एंड बैलेंस आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाई अपोजिशन पार्टी, हाउएवर द मेजोरिटी ऑफ ए सिंगल पार्टी इन लोकसभा हैज डिमिनिश्ड द रोल ऑफ इफेक्टिव ओपोजिशन। ये आप आज की डेट में देख रहे हैं, कोई भी बिल आ रहा है उसकी चर्चा लोकसभा में नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां से तो पास हो ही जाएगा, उसकी चर्चा अब इनको मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है, इनको रोड ब्लॉक्स करने पड़ रहे हैं, या आप इसको राजनीतिक एंगल से भी देखना चाहते हैं तो आप बेशक देख सकते हैं। लेकिन भारत में वीक चेक एंड बैलेंस हुआ है और इसका बहुत बड़ा कारण क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म है। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि बीजेपी की पार्टी केवल 50 सांसदों से ही पावर में बनी होती है, गवर्नमेंट में 50 सांसदों से बनाई होती है, और अगर इनको बहुत कोई कोई भी एक्शन लेना होता तो उनको सबका एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस ही होता है। आज की डेट में फार्म बिल वाले मुद्दे पे अकाली दल टूटकर चला गया, कैसे बीजेपी को कोई फर्क पड़ा नहीं, अभी भी वो मेजोरिटी में है। इसी तरह से आप देखिए कि दूसरा आपने सुना होगा जुडिशियल एक्टिविज्म, कई सारे मामलों में जुडिशरी ने लेजिस्लेटिव फंक्शंस को भी, लेजिस्लेटिव एरिया को भी डिमिनिश किया है और एग्जीक्यूटिव एरिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश करी है। बहुत सारे आप ऐसे देखते होंगे जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे वहां पे जुडिशियल ने अपने कंट्रोल करने की कोशिश की। तो जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल बार्बरिज्म, ये जुडिशियल बार्बरिज्म पे थोड़ा सा फोकस करेगा, एक नया टर्म है जुडिशियल बार्बरिज्म, आप इस पर जरूर काम करिएगा, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको इसे एग्जाम में पूछा जा सके। तो जुडिशियल बार्बरिज्म, इन सब भी माध्यम से क्या हुआ है कि जो ये चेक एंड बैलेंस है कंट्रोल हुआ है, आपको अपना काम तो करना था, आप अपना काम करिए और एग्जीक्यूटिव के काम में भी इंटरफेयर कर रहे हो, तो ये बैलेंस का फंक्शन नहीं है भाई। मैं आपका काम करने लगू, एक्स और वाई का एग्जाम्पल ले, एक्स अपना भी काम करने लगे और वाई का भी काम करने लगे, ऑल तो ठीक बात है कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस वाला जो सिस्टम है बैलेंसिंग तो नहीं है ना, पॉइंट समझ आ रहा है। तो इसी तरह से तीसरा पॉइंट एग्जीक्यूटिव एक्सेस, आज की डेट में हर एग्जीक्यूटिव एक्सेस आपने कई बार देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी या नाम नहीं लेते हैं, कई बार प्राइम मिनिस्टर ने आर्बिट्रेरी एक्शंस ले लिए हैं और जो मेजोरिटी होने के नाते वो पूरे भी हो गए। कई सारे ऐसे एक्सेस की ज्यादातर कंट्रोल आप किसके पास है, एक प्राइम मिनिस्टर के पास है, इन कुछ शेडो कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास है जो ज्यादातर डिसीजन ले रहे हैं और उनके डिसीजन इतने हो रहे हैं उसके आड़े जो भी आता है उसको अलग अलग तरह की चीजें फेस करनी पड़ रही है, ठीक है।
एग्जीक्यूटिव एक्सेस भी, या हम कहें कि इसको ओवर सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, ओवर सेंट्रलाइजेशन ने भी हैम्पर किया है इस सेकंड बैलेंस को। तो इस 20 मिनट के लेक्चर में आपने इतना जरूर समझ लिया कि एसओपी क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर कैसे काम करता है, और कैसे गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन, ध्यान रहे स्टेट के तीन ऑर्गन नहीं, गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन कैसे एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। और ये भी आपने समझा कि क्यों चेक एंड बैलेंस का सिस्टम आज की डेट में इंडिया में कम होता चला जा रहा है। अब ध्यान से समझिए, ये जो जितना भी मैंने डिस्कस किया है इसके नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और वहीं पे आपको वीडियोस का भी लिंक मिल जाएगा जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। ऐसे कुछ वीडियोस हम लोग वीकली आपको अपडेट करते रहेंगे जो आपकी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत यूजफुल होंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि रिलेटेड होगा फेडरलिज्म से।